अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं खुद भी खैरियत से हूँ। आज हम जाने लगे हैं जी सी व्यू पे, जो कि एक पिकनिक पॉइंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज हम उसका विजिट करने जा रहे हैं। मेरे साथ अनीस भाई हैं, और अभी हम जो है असन भाई का पता करेंगे। असन भाई को कॉल करके देखते हैं, असन भाई आते हैं कि नहीं। पता कर लो अगर जाना है। देखते हैं ये असन भाई को कॉल करने लगे हैं, देखें आते हैं कि नहीं। जी हाँ जी, बैल जा रही है, उठा ले। अच्छा चलो घर से पता करते हैं। चलो घर से चले, फिर हम आपको मिलते हैं। अहसन भाई के अभी घर जाने लगे हैं, वहाँ से उसको उठाएंगे और फिर हम जो है साथ चलेंगे। यार इतने दिन के बाद आज ही तो निकले हैं। ये ना गिरा दें। नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे कॉल नहीं उठा रहे। अब पता लग गया इनको कि आज शर्ट ने पैकेज किया हुआ है। वालेकुम सलाम असन भाई, क्या हाल है असन भाई, किधर है आप? अरे यार हम जा रहे थे फोटोशूट करने। फोटोशूट पे नहीं, वैसे जा रहे हैं करने। तो जाना है मैं और आपसे, सी व्यू का प्लान है। हाँ चलें फिर, हम आपकी शॉप पे ही आ रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं एसन की शॉप पे, हमें मिल गई इजाज़त। बाइक चला, मास्क जरूर पहननी अपना। ओ मैं बावला हो गया। ये देखिए ट्राईपॉड को कैसे पहन रहा था, आंखों पे नहीं लगाना। भाई हम ना ट्राई कर रहे हैं, अभी न्यू वायरस आया ना, तो हमने ये चल जाने दे। उस्ताद राम नाल प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। अरे भाई मूड है जान का, चलते हैं। सही है का? हम बस सब्जी वगैरह लाने। उसरा अगर भाई के जा देना तो चल गया। तुझे किथे जाना? असि सी व्यू, मैं क्या चक्कर लगा ले, छुट्टियां होई हैं। दा ये देखिए जी, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं एहसन भाई के घर के बाहर। एहसन भाई तो आ गए हैं, अनीस जो है वो मेरी बाइक लेकर गया हुआ है काशिफ को लेने। बस अभी पता नहीं कब आएगा, ये हमेशा ऐसे ही करता है, बाइक लेके चला जाता है और फिर आने का नाम नहीं। हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी भी उसके आने का कोई इरादा नहीं लगता कि वो आएगा। चलें जी वेट करते हैं उसका। अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, देखो आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये हमने मास्क पहने हैं कोरोना की वजह से, आप भी ज़रूर पहने क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। जी जी एहतियात और हाथों को साफ रखें और पांच वक्त नमाज पढ़िएगा। नमाज पढ़ें क्योंकि हमारा मानना है कि जो पांच वक्त नमाज पढ़ता है उससे कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। जी अनीस भाई आ जाओ यार। ये देखे ये हमारा हीरो आ गया है, 15-20 मिनट वेट करवाने के बाद। और ये साथ हमारे साथ काशु भाई भी आ गए हैं, तो अभी हम जाने लगे हैं सी व्यू पे। चलो बैठो, चलें काशु भाई।
चलाओ यार वो उठा ले ट्राइपॉड उठा ले भाई काशी वो ट्राइपॉड उठाओ हां ऐसा को उठाने चलो यार चलाओ बाइक चला ना बाइक चला क्या हुआ ये चलाएगा अनीस बैठो फिर बैठो जिंदा जिंदा मैं ये वीडियो दे बेची जाएगा ये वीडियो से जाएगा अच्छा चल यार काशी बैठ चल बैठ काशी ओ ये है हमारे फतेहपुर का रोड स्टैंडर्ड ऑफ पीजी ओ स्टैंडर्ड ऑफ पीजी से याद आया कुछ भाई अपनी पास ने भेज दी वापस ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣੇ ਉਹ ਲਈ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀਡੀ ਸਕੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਡੀਐਲਸੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂ ਓਏ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਮਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ दोनों किस दिन बड़ी बोली है ओ यार नहीं यहाँ पे हम जो है डलवाने लगे हैं 550 का बहुत है करवा ले अरे 16 करवा ली उतरो वो कहेंगे 14 नहीं आ रही है टोटल नुकता थोड़ा सा इधर कर दिया है 1000 पूरा होता है वो 10000 पूरा होता है चलो यार नुतका नुतका चुपता बैठो यार तो गाइस यहाँ पर हम सी व्यू पे पहुँच चुके हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी हम यहाँ पर जो है विज़िट करने आए हुए हैं बाइक ले जा अंदर ये इधर जर्मन है और ये आसिफ भाई उसे पंगा ले रहे हैं अगर ये इनको पै गया पड़ गया हमारी टूटी फूटी उर्दू ये देखे जी ये यहाँ पे उस्मान शाह लोगों ने जो है झील बनाई हुई है मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था कि इसको क्या कहते हैं अभी उस्मान शाह ने मुझे बताया कि इसको झील कहते हैं चुपके से बताया कि कैमरे में ना आ जाए शुक्रिया उस्मान भाई यहाँ पे इन्होंने फिश भी रखी हुई है हाँ देखते हैं फिश भी अनीस आओ अभी हम आपको फिश दिखाते हैं इसमें ये देखें गाइस आपको फिश दिखाती हैं इसमें ये फिश है पांच यहाँ पे पता नजर आती हैं कि नहीं ये अभी पानी थोड़ा सा वो है
पानी थोड़ा सा गंदा है इस वजह से नजर नहीं आ रही। अनीस अगर यहाँ पे हो ना करीब फिर नजर आए। हाँ। इसको नीचे से उठाओ ना। तो ये झील बनाई हुई है अभी यहाँ पे सामा लोगों ने जो है कश्तियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। वहाँ पे जो कश्ती के जरिए वहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो फिर भी मैं यहाँ पे जो है वीडियो बनाऊँगा। पिकनिक पॉइंट है, कोई भी जो है यहाँ पर आ सकता है। तकरीबन गर्मियों में ये स्टार्ट हो जाएगा। स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, वो भी अभी तैयार हो रहा है, वो भी तकरीबन गर्मियों में, इसी गर्मियों में जो है वो तैयार हो जाएगा। वो देखे एहसन और काशिफ। काशिफ ऑन मोड है, आसिफ यहाँ से चलते हैं। सो गाइस अभी हम आपको जो है ये सारी झील का जो है चक्कर लगवाते हैं। ऊपर से एहसन, अनीस और काशी भाई मेरे साथ हैं जो कि अपनी बातों में लगे हुए हैं। अनीस है जो मेरा साथ दे रहा है। जी जी हम आ गए हैं अभी। ये देखो जी जी, ओए ध्यान से। जी 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 आज हम विजिट कर रहे हैं जी। आज हम विजिट करने आए थे। मैंने सोचा था कि इनके जो ऑनर है उनसे आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन वो जो है ऑनर अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सकें। उन्होंने बोला है कि अभी आप वीडियो बना लें, फिर किसी दिन आप आ जाना तो फिर जो है मैं आपसे जो है बात कर लूँगा। ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं। हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे पहले रहते थे, अभी जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ जो है यासीन वाला वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये देखें बहुत ही जबरदस्त जगह है, पिकनिक पॉइंट है। ये देखें जी बहुत ही जबरदस्त। आसिफ व्लॉग के साथ, आसिफ प्रोडक्शन, मैंने नाम आसिफ प्रोडक्शन पे अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आसिफ व्लॉग पे कर ही नहीं रहा उसका, मुझे उसका पासवर्ड ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या पासवर्ड था, उस पर डालेंगे अभी। चलें ठीक है। तो ये इन्हें बदके दिखाने भाई। हाँ ये देखें, ये देखें जी आपको मैं बदके दिखाता हूँ। देख यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, व्यू आ रहा है। ज़ूम कर लाना बदका नहीं नहीं आ जाओ। सब चुप है। काशी भाई आप भी कुछ बोले ना, आप इस मुंह से बोले। मजा आ रहा है जी आज, आज आ जी आप इधर बहुत ज्यादा। यानी कि ये हमारे एंकर पर्सन है, फ्यूचर एंकर पर्सन एहसन। एहसन भाई ये चलूं कि आजकल नए नए वो जो फ्लावर्स हैं वो ऑरेंज फ्लावर्स ये बन रहे हैं, और इसकी वजह से जो ऑरेंज इनके ऊपर ही लगते हैं, इनके बाल ये देखे होता है। ये और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, कलियों जैसी खुशबू है। जिस माल्टा वा मौसमी है की है, ये कह रहे मौसमी कह रहे हैं, मौसमी कह रहे। ये देखें जी हमें नहीं पता ये किसका बूटा है, माल्टे का है या मौसमी का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फूल लग गए हैं। यहाँ पे जो है अभी माल्टे लगना स्टार्ट होंगे। ये देखें, अरे यार हाथ ना लगाओ खराब हो जाएंगे। ये देखें बहुत ही प्यारा व्यू है इधर, बहुत ही जबरदस्त। अभी हम जो है यहाँ से चक्कर लगाएंगे, वो चक्कर लगा के उस तरफ जाएंगे तो, और उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे घर। अच्छा वो आपको बता सकते हैं कि वो मछली ने अंडा दिया होगा, वो देखें ऊपर। वाकई हाँ वो देखो यार वाइट कलर का अंडा। अच्छा देखते हैं फिर। आ नहीं उस साइड पे भी काफी अंडे हैं, लेकिन कसम से ये देखिए ये अंडा है, ये एहसन ने अंडा दिया है, ये अंडा एहसन ने दिया है। ये देखे मैं अभी यहाँ पे गिरने लगा था अंडे के चक्कर में, ये मुझे एहसन ने बोला है कि जो है ना फिश ने अंडा दिया है, लेकिन इसने जो है माल्टे के पौधे से उसका फूल उठा के जो है तोड़ के वो इसमें इसने फेंका है, और दूर से ऐसे लग रहा है जैसे अंडा हो। आपको बताते चलें ये जो फिश होती है स्पर्म छोड़ती है,
ओ मेरे जहन में नहीं नहीं यार असाइनमेंट में पता ही नहीं चला कसम से मैं इतना आप एंजॉय करेंगे आपको पता ही नहीं यार कसम से नहीं मेरे जहन में ही नहीं चले यार अच्छा चले इस साइड का व्यू देते हैं चला उसके बाद फिर मेरे जहन में भी नहीं था कि स्पर्म छोड़ती है मेंढक भी और ये भी जी 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 कसम से मेरे जहन जी तू जी तो क्या था मैं तो होता गया मैं वाकई जहाँ पे अभी कश्तियां भी हैं लेकिन वो अभी जो है स्टोर में रखी हुई हैं अभी मैं आपको मोर भी दिखाता हूँ यहीं पे हैं जब ये तैयार हो जाएगा ना तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा यहाँ पे जो है बहुत ही मज़ा आया करेगा अभी तो जो है बन रहा है जब बनेगा तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा अभी यहाँ पर बतकें रखी हुई हैं वहाँ पर जाने के लिए जो है कश्तियाँ का भी इंतज़ाम है लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं रखी जब ये तैयार होगा फिर वो यहाँ पर लेकर आएंगे जी आपको बताते चलें कि अभी अंडर प्रोसेस है और जब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा तो फतेहपुर का सबसे अच्छा पिकनिक पॉइंट बन जाएगा इंशाल्लाह क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशेज रखी हैं उसके अलावा यहाँ पे डक्स हैं कि एक नदी और एक झील का माहौल यहाँ पे दिखा रहे हैं और ऊपर उन्होंने घास वगैरह लगाया हुआ है कि वो उसकी वजह से यानी कि अच्छा व्यू बने इसके अलावा इस साइड पे आप देखें कि बहुत ही अच्छी किस्म और अच्छी बात ये है कि ये फतेहपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है जी जी बिल्कुल करोर रोड पे तकरीबन फतेहपुर से 5 किलोमीटर के फासले पर है और आप जब भी विजिट करें फतेहपुर तो लाजमी तौर पर इस व्यू को भी आप देख के जाइएगा इस गर्मियों में ये बन जाएगा इन्होंने बहुत ही अच्छी किस्म की खजूरें लगाई हैं और ये सऊदी अरब से उन्होंने इंपोर्ट की थी और वो वाली जी जी वो वाली सारी ये सऊदीया से इंपोर्ट हुई है चला और ये बहुत ही अच्छा दरअसल मुझसे ज़्यादा नॉलेज जो है एहसन भाई को है क्योंकि मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ एहसन जो है वो पहले एक दो चक्कर तकरीबन हाँ तीसरी बार आए हैं मेरे साथ मुझसे पहले दो चक्कर लगा गए थे अभी ये अंडर प्रोसेस है और इसकी वजह से जी ये देखें झील में जो पानी जाता है वो शॉपर के जरिए जाता है ये देखें चलें अब वो मोर देखें नाज़रीन फ्रेंड्स अब आपके साथ जुड़ते हैं काशी भाई जो के पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट है अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर के ये लेफ्टिनेंट काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन भाईयों के लिए दुआ हमेशा होनी चाहिए पास्ट आईएसएसबी लास्ट ईयर माशाल्लाह तो क्या बना मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है एक्चुअली मेरिट नहीं बना कोई नहीं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्योंकि कोई याद नहीं आप जानते हैं कि ये इन्होंने पीएमए का नहीं दिया था ये जीडीपी पायलट का दिया था जी और हमारे भाई साकिब भाई भी अभी जीडीपी पायलट में है ना मजे की बात है ये वो वाला साल 2020 जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आया है क्योंकि हमारे सिटी में इतने ज्यादा लेफ्टिनेंट और कैप्टन बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन इसकी बार बहुत ही ज्यादा हमारे भाई उसामा शाह और इनके अलावा साकिब भाई इनके अलावा हमजा भाई इनके अलावा और जिसकी वजह से एहसन को भी शौक पड़ा है आर्मी में जाने का और आपको नासिर बताते चलें किया था नासिर आपको बताते चलें कि एक अहद वफा ये ऐसा ड्रामा है जिसने पूरी जिंदगी लाइफ चेंज कर दी है अब छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं और यूनिवर्सिटी का जो काम ये देखें ये बोलता लड़कियों से भी ज्यादा बोलता है एहसन तरीके से हमने नहीं किया मेरा नाम भी एहसन है और इतने एहसन तरीके से हम यूनि का काम नहीं करते लेके शाम तक पीएमए की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा पानी पिलाओ आईएसएसबी की भी अभी से तैयारी की हुई है इसको भी पानी पिलाओ नहीं दिया फिजिकल नहीं दिया अल्लाह आपको कामयाब करे बस चगर चुप कर जा ये आपको बताते चलें ये मोर है ये आई थिंक ब्लू शोल्डर है और आपको बताते चलें इधर उकाब भी है आपको इसके बारे में जो है आपको एहसन भाई बताएंगे क्योंकि एहसन भाई को इस बारे में ज्यादा नॉलेज है मुझे इस बारे में नहीं पता ब्लू शोल्डर है और ये पेयर है बल्कि सेट है ये अच्छा ये एक ये मादा है दो अच्छा। मादा है और वो नर है और ये ब्रीड पे आए हुए हैं और आई थिंक तकरीबन इसी माह ब्रीड स्टार्ट कर देंगे और आपको वो सामने दिखाते चले वो काव है ये अभी प्रोसेस सारा चल रहा है ना तो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है ये देखें ये काव है और ये सुबह और शाम और दोपहर को ये एक कबूतर खाता है
نوکر جی صبح دوپہر شام تین اس سے کبوتر دیے جاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ نیچے انسانوں کو تو کچھ نہیں کہتا جی. وہ دیکھیں وہ کبوتر نہیں زندہ کبوتر ڈال دیتے ہیں اس کو. نہیں نہیں اس کو یعنی کہ ذبح کر کے دے دیتے ہیں یا اسے یعنی کہ اندر چھوڑ دیا جاتا ہے زندہ. وہ کچھ نہیں ہوتا اس کا کوئی نہیں اس کی خوراک ہے نا. وہ دیکھیں وہ آپ کو وہ ذرا زوم کریں وہ اس سے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کبوتر پڑا ہے ابھی اور یہ ساتھ اس کی وہ ہے یعنی کہ کلیجی وغیرہ ہے بڑی چیز. عثمان یہ کہاں سے لے کے آئے؟ نہیں نہیں یہ کعب کہاں سے لے کے آئے؟ غازی خان بھائی نکالو گے جی. آپ کو بتاتے چلیں کچھ دکھا تو صحیح. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ بھی تونسا اور ڈیرا غازی خان کی طرف سے ہیں. یہ انہی کے ایک رشتے دار ہیں جنہوں نے یہ گفٹ دیا ہے عدیل. دوستو یہ کعب کے لیے جو ہے انہوں نے کبوتر لا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ اس کا کھانا ہے. عثمان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ کیسے ان کو دیتے ہیں. عثمان بتائیں یہ کیسے ایسے ہی آپ زندہ ڈال دیتے ہیں کعب کو یا ذبح کر کے؟ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی اڑنے کے لیے. اچھا پیچھے سے باز کو چھوڑتے ہیں خود اپنا شکار کر کے خود ہی پکڑ لیتا ہے. خود ہی باز پھر واپس آ جاتا ہے کھا کے پکڑ کے ادھر آ کے خود کھاتا ہے. اچھا اچھا یہ ڈیلی کے کتنے کبوتر کھا لیتا ہے؟ ایک کھاتا ہے یا دو کھاتا ہے ڈیلی کے؟ ڈیلی. اچھا تو آپ جو اس کو پکڑتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتا؟ نہیں ہمیں نہیں کچھ کہتا. اور کوئی آئے تو؟ اچھا میں نے وہ تصویریں دیکھی ہوئی تھی فیس بک پہ ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اسے تو کچھ بھی نہیں کہتا؟ ہمیں نہیں کچھ کہتا. اگر میں پکڑوں تو آپ کو کہے گا کیا؟ کہے گا آپ پکڑ کے دیکھیں. نہ کر یار ایسے تو نہ کر. میرا بڑا شوق تھا کہ اس کو پکڑوں گا ہاتھ پہ. آپ کا شوق بھی پورا کرا یار. یہ نہ ہو کہ مجھے زخمی کر دے ہاتھ. یہ دیکھے جی عثمان شاہ نے ایک آپ کو جو ہے باہر لے آیا ہے. یہ دیکھیں جی یہ باز ہے جو کہ عثمان شاہ لے آئے باہر. ابھی انیس اور احسن بھائی جو ہے اس کے ساتھ پکس بنوا رہے ہیں. باڑ لیا نا تیری خیر نہیں. اے بچ کے ڈردا کیوں پیا؟ تصویر بھی بنانی تے ڈرنا بھی ہے. ڈرنا والی گل نہیں ہے کہ یار لے میں پکڑ پھر اونوں میں پھڑ لینا تے پھر ادیاں چیکاں نکل جاندے. اوئے بدتمیز. احسن بھائی اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر اس کے ساتھ احسن بھائی کے ساتھ کھیل لیا ہے نا احسن کو پتہ نہیں لگنا احسن کو کیا ہوا ہے. او مائی گاڈ. ویسے اونوں اونے کھانا تے نہیں کھادا ہونا اپنا اج باز نے. بس شام کا کھانا تو ہی بن رہا تیز تو کہہ رہے سیر سے ہو جا. یار زبردست کمال کاشش کا سلو مو بناؤ یار. وہ ہاں سلو ایک منٹ میں نے طریقہ ہے کیوں پھل پر پلاؤ گا. اے عثمان کہندا نہیں سلو مو تو لا آ گیا. بس یار سلو مو تو لاتا ایک ادھر آنا. چل چل ہن بنا. چل زبردست تو شکار ہے پتر اڑن لگا ملا دکھانا. ہاں ہاں وہ تو پوچھے نو ہاتھ لا پوچھ نو. اوئے کیندے نا جڑو تک. یہ دیکھیں گائز یہ ابھی بچہ ہے ابھی فل بڑا نہیں ہے. زبردست. اصل مالک تو میں ہوا نا میں اسے سمجھتا ہوں پتر. انہیں وہ تو ہی سمجھنا چاہتا تھا پہ گیا. یہ بھائی جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی انٹرویو دینا ہے. پاکستان کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہ رہے مجھے کب سے کہہ رہے تھے. اچھا دو یار پیغام دینا آپ نے کچھ بولنا ہے؟ جی ہاں یہ ہے مچھلی فارم. اس میں 1500 مچھلی تعداد. 1500 جی ہاں. اچھا اور اس میں بطخیں رہتے ہیں. اس یہاں پہ اس کی گہرائی 9 فٹ ہے اور اس میں بطخیں رہتے ہیں اور اس کے آگے سوئمنگ پول بن رہا ہے. یار تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ ہمیں یہی بندہ چاہیے تھا جو ہمیں معلومات دیں. جی جی بالکل بالکل بتائیں. ہم بتائیں چلے بتائیں. اور اس کے پارکنگ ہوگی یہاں پہ ریل گاڑی آئیں گی. جی بالکل. یہاں پہ کشتیاں بہت زیادہ چلیں گے 5-6 کشتیاں ہوں گی. اچھا اور یہاں پہ گھاس لگا ہوا ہے. اچھا
फ्री में होगी या टिकट भी होगी उसकी? टिकट भी तो हमारे लिए भी टिकट होगी, नहीं आप लोग के लिए नहीं होगी। ये बात ठीक है, ये आपका प्यार है, मोहब्बतें हैं आपकी। एंड पे आप ये करें कि पाकिस्तान के बारे में कोई आप पैगाम देना चाहते हो, या अपने दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में आपको पैगाम देना चाहते हैं तो? नहीं अच्छा चले दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो हमारी जान है। एंड पे नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज हमें यहां पर घूम के बहुत ही मजा आया, कमर भाई से कमर भाई की इधर बड़ा मजा आया, बहुत शुगर लगाया। कमर भाई से हमारी बात हुई है, वो जो है माजरत कर रहे थे कि मैं आपको टाइम नहीं दे सका। उन्होंने हमें बोला है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आप आना, मैं आपको टाइम भी दूंगा और इसके बारे में जो है आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। ये तकरीबन गर्मियों में ही स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। जो इनके ऑनर थे वो कह रहे थे कि वो ज़रा बिज़ी हैं, वो कंस्ट्रक्शन अभी अंडर प्रोसेस है, तो वो उस मामले में ज़रा बिजी थे। वो कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती होगी। और इन तीनों ने बास को जो डराया है ना, अभी हमने हाथ पे बिठा के उसके साथ जो है वीडियो क्लिप भी बनाने थे और पिक भी बनानी थी। इसने और इसने जो उसको डराया है, मैंने तो उसे, इसने तो बहुत प्यार किया भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे काशिफ भाई? कुछ तो बोल दें, इतना है कि बहुत एंजॉय किया। और आपने मुझे कहा है ना कि आप बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, ये बोलने वाला ये अच्छी बात है यार, अच्छी बात यार, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। वो न्यूज़ एंकर का नाम क्या था? शारिक हबीब, उसकी वजह से नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। ये हमारे शर्मीले भाई है, ये नहीं बोलते, ये हमारे। तो अभी हम चलते हैं, आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत ही मजा आया। जी जी, इन्हें पता नहीं आया कि नहीं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी फतेहपुर में आए तो यहाँ का विजिट करें, आपको बहुत ही ज्यादा, ये फैमिली पिकनिक पॉइंट है, आप जब भी यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले सबसे एंड पे एंड से आपसे ये कहता हूँ कि ये जो आसिफ भाई का चैनल है इसे लाइक करना है, इधर कमेंट देना है, इसे सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर भी करना है, फॉलो करना है और इसके साथ साथ शेयर करना है। हाँ। और शेयर भी करना है और इसको पूरी मोहब्बतें देना। अच्छा, बात करें, बात करें भाई, बात करें। ठीक है फिर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नहीं होगा।